राम राम जी सारा ने, और ठीक ठाक हो तो जी? यो है नए व्लॉग की स्टार्टिंग और वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल हरियाणवी सितारे कुणबा पे। और जी यो है कति सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग आज आप लोगों को देखने न मिलेगा। कति सुबह सुबह नु मान लो बस बच्चे बुच्चे अपने तैयार होने लाग रहे हैं और घर का काम चल रहा है इस टाइम पे, तो खूब पजल हो जावा है काम करनी अभी कि मैं बालक भी चढ़ा दे कि मैं बड्डे जानिया भी चढ़ा दे हैं। ठीक है तो चलो दिखाऊं हूँ कि कुछ चल रहा है सुबह सुबह के टाइम घर पैर में हूँ। फिलहाल प्लाट में आपने दिखता भी होगा, तो जी प्लाट में अड़े मम्मी पापा कर रहे हैं कुछ काम, वो दिखाऊंगी आपने। ठीक है तो चलो देखें कि कुछ चल रहा है हमारे अड़े। ये मम्मी तो अपना बीजड़ा ले रहे, न्यू कहे ना न्यू नहीं दिखता होगा, टूटा बीजड़ा लिए बैठी है सब ने बेरा। आजकल गामा में भी बीजने की कम जरूरत पड़ा है, घर घर इन्वर्टर है तो पंखे तो चल रहे हैं, तो बीजने की जरूरत कम पड़ा है। तेरे जिसी ने पड़ा है बस देखो घेर दिया कहते घेर दिया, ये तो देख लिया यो इन क्यों प्लाट में तो पंखे लाग ना रहे। अरे यहाँ जो हवा चल रहा है इस तुम्हारी मम्मी का सबर नहीं, तो यही ना बीजना लेना हाथ में जरूरी हो जा है नीमी। इतनी सहज बोला है और क्या बोलू, और ऊ है ना इतनी तेज बोल लगी, चाहे इस गाल में तो परली गाल में सुनवा ले, रुके मार मार का सुनाया भी करे और ने रुके मार का सुना के मैं लेना किसी ने बुलावा बुलुआ, जब इस गाल की आवाज परली गाल में चली जाए इतनी तेज बोलिया करे। अरे ये पापा लाग रहे हैं आज प्लाट में जो ये घास घूस से इसने साफ करन, कसोले तो लाग रहे हैं, फिर घास का क्या करोगे? मी जला देंगे और क्या करेंगे, डंगर तो तुम रख के ना उन्हें घेर दें, फिर कोया रखता उन्हें बता दो उठा ले जाएंगे। बोले उठाया करती वाड़ से ना और कोई तू किसे कांडे अपना जला देंगे सांझ के टाइम। और ये बड़का ने खा खा के कुरकुरे कर करे के मैं क्या, मैं ये देखो कागज आड़ा फेंक रखी है, ये सारे गल जड़ेंगे सफाई होए पाछा ठीक हो जाएगा ना, तो कीड़े काटे का डर बह रहा है गाड़े, और वो भी सारा साफ साफ सा हो जाएगा। ये लाग रहे हैं सुबह सुबह सेहत बनान, चने और बादाम भी जोड़े ये खाने लाग रही हैं कि जाओगे और सेहत बना के, मेरे जिसिन तो जरूरत भी है तू खाए तो ना टा कोई तू तो ना हजम के करा। फिलहाल घराले जा लिए जी सारे जिसने जाना था, ठीक है, और ये मैं सू, मम्मी है पापा है हम हाँ घर ने, मैं ही अपने काम का लगूंगी। मम्मी पापा ने तो जो प्लाट में करना था वो दिया निमटा, और ये काम रह गया मेरा, मैं करूंगी झाड़ू पोछा बर्तन कि मैं, और कपड़े कुपड़े हैं वे, मतलब जो काम रह गया वो रह गया मम्मी। नहीं मम्मी प्लाट मत आए लीर, ये बीजना धरिया से जब तक प्लाट में रहेगी तने बीजना रहेगा हाथ में, आदत हो रही है मम्मी भी है ना। गर्मी भी सह, गर्मी के खत्म में ना होती। सूरज लकड़ आया है, हल्का हल्का हगाम लकड़ रहा है, और तो थोड़ा धुंधला धुंधला भी हो रहा है, और देखो सारा काम पड़ा है, मेरी झाड़ू भी वहाँ पड़ी बरौंडे में स्टार्टिंग करी नहीं है, करूँगी। और एक राज की बात बताऊँ आप सब ने, गुड रश है ईब, जब मैं मेरे हस्बैंड ने दिखाऊँ थी तो मैंने एकदम बंद कर दिया कुछ सेकंड दिखा के, वो बंद न्यू कराया नहीं तो मैंने ऑन कैमरा डांट पड़ा ही। मैं उन तेनू कह लग रही थी मैं आप तो सेहत बनाओ हो, तो फिर मेरे पर गुस्सा करके बोले तेने तो सेहत बनानी ना, ये मारे सारे के जाते चाह बनाओगे चाह बना के पियोगी सच में करया करूँ मैं, सबके जाते और चाय बना के जब पिया करूँ। फिर न्यू बोले कि बीमारी में तो उठी है और फिर भी चाय का लठ दिए रहेगी न्यू नहीं कि मैं खा लूँ फल फ्रूट, तो आज स्टिक ऑर्डर दे कर गए हैं मेरे ते, और नाराज होकर गई हैं कि आज चाय की जगह सेब खाओगी, और जाते फोन करके पूछूंगा खाया है कि नहीं खाया है।
उन झूठ मेरे तो नहीं बोली जावे, कुछ भी हो, डांट पड़ो चाहे कुछ भी हो, झूठ नहीं बोला करती हूँ। उनका आगा तक कतिए नहीं बोला करूँ। तो ये भी मैं सेब काटूंगी और खाऊंगी, आज तो मैं भी सेहत बनाऊंगी। सच है बे, उस दिन पाछे जब मेरा बुखार बुखुर हुआ है ना, जब पाछे मेरे सिर में राख्या में दर्द रहा है, मेरा ना कि किसा बुखार था ऐसा, सिर में राख्या में दर्द आराम होता ही को ना। फिर से ही कहे हैं घर के भी, मानू मैं इस बात ने, डांट मारे है मेरे पर, ठीक मारे हैं। नुआ मोनिका नु कह मैं तो भूली बसरी बैग में गाल भी ले जाऊँ, सेब उड़ा खा लूँ हूँ, तू तो कती ना खाती, अरवाना नू बना दे, टेम ना लगता, टेम ना लगता, टेम लावे तो लग गए, अपने तई तो टेम काढ़ना पड़े है। सही बात है जी, जिथम भी काढ़ा करूँ, कभी घर के बह बालक के बह सवेंड के बह सासू के बह ससुरे बस इन्ना में लागे रह जाहाँ, कभी बार का अपना ड्यूटी का काम, अपने बारे में तो सोचते ही कौन है। नू कद तई शरीर चल लगा, ईंधन ना डलेगा तो इंजन कब तक चल लगा, नू बताओ। तो मैं तो ईंधन डाल लू हूँ, सेब खाऊँ हूँ, आप भी अपने पर ध्यान रखा करो, कुछ खा पी लिया करो, यो शरीर ही अपना है और कुछ नहीं, वो भी जीते जी तक, मरे पाछत करियो भी अपना को, ठीक है। इब सोनल ज्ञान हो जाएगा स्टार्ट, अड़े रोक लाते हूँ। मम्मी पापा ने सुन के तो अब डांट मारेंगे, कहेंगे अच्छा भीतर चाय बना के पी ले, वे तो इस टाइम चाय पीऊँ को नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वे खाना खाऊंगे। एक चाय उन्हें ले ली सुबह सुबह, मन ने भी ले ली होता है, पर मेरा सबर ना आया करे, सब चले जाना जब मैं मनू पहला एक चाय ले लूँ, थोड़ा पेट्रोल डाल लूँ, फिर काम का लागूंगी। पर वह मेरी गलती है, चाय की जगह सेब ले लूँ, दूध ले लूँ, घर ने और भी फल फ्रूट रहे कुछ भी ले लो, जिस तरह मेरे हस्बैंड खाओ थे चने बादाम वे खा लूँ, पर ना ये हमारी गलती हो, चाय चाय चाय, और चाय जितनी खराब चीज़ है। ठीक है जी, जी मैं खा लूँ एक सेब ना, थोड़ी देर में फिर फोन आने वाला है, फिर नू कहनी पड़ेगी मैं ना खाया है। ठीक है जी, खाना खा लो जी, सारे खाना बनाने लग रही हूँ जी, जिसने भूख लग रही हो जी, जी पहले खा लो फिर तुम बना लियो। कसम मांज लो भी ब्याज जो। कोई आना भरे आए नहीं भरो, भर लो बैरणो, मैं तो जीजी काम नहीं करवाती, मैं तो खान की कहूँ हूँ, अब खाना खा लो जीजी। अरे आज है ना मोर दिना तो भी घनी लेट हो रहे, हाँ सहज जाती बोलू हूँ, मम्मी सुनेगी नु कहेगी इबे भी नु नहीं सैड सैड आ चला लिया, इबे वो फोन में बोल रहे हैं कहेगी मम्मी इबे नु नहीं सैड सैड आ चला रहा, इबे भी इसमें बोल रहे सैन। आज ना बेरा के बात बनी, ये बना 8 बजन के लगभग टेम है, आज एक आधे बर्तन बर्तन ये बेटी कर दिया करती, आज इनका भी स्कूल का काम इतना घना था, बर्तन बिना हुए, और मम्मी की इतनी हिम्मत सी रहती को ना, गोडे में दर्द रहना तो ज्यादा देर उन तक खड़ा ना रह जाया करे, अतः बेबे ये बर्तन साफ कर ला गई, उनके लंच बॉक्स जो उन्हें चाय चूहे बनाई थी दिन में, चाय के बर्तन सब कुछ करने लग रही हूँ, आज बहुत लेट हो रहे हैं। तो जीजी ये अपडेट थर्ती दे दी है, ठीक से चलता फिरता न्यूज पेपर, और बताओ थम के कर रही हो इस टाइम पे, ये खा पी कर बेड पे बैठ के थरब लोग देखती होंगी, या खाना बना लग रही, आज हमने सब्जी ना बनाई, आज हमने चटनी बनाई है, अब क्यों आज हमने वहां रोगी थी। इस वजह है मैं तो सीधी सुबह बन जाएगी, मगर ना जो आ रोगी थी बेबी, हमने चटनी बनाई है, और मेरे मन नहीं साडा लग गया, चटनी भी कम पड़ेगी, तो फिर आज हम गली और मिर्चा गल रोटी खाओगे, और खीरे का वो काटेंगे सलाद। क्यों प्याज ना है टमाटर ना है सलाद, तो बैलन मिक्स काट ले बे, वो डाने ना प्याज खाने का कति जी नहीं करे, यह झूठी बात ना, कोई काट के दे देगा तो खा तो लेगी है ना, ना मैं प्याज नहीं खाया तो बहुत डाने, कोई बात ना जी, लास्ट में हमने खानी है, अगर चटनी खत्म भी होगी, वैसे तो बड़ी कटोरी भर के बना रखी है, खत्म भी होगी तो हम गली हुई मिर्च ले लेंगे, अपना सलाद ले लेंगे, और मैं चटनी बना रखी है टमाटर पुदीने की, कुंडी में पता है सोमल, चल आज तो अपन टाइम के उस तो बना ली, लेकिन डेली सब्जी अच्छी ना लागे जी, क्या की बना मैं डेली सब्जी, यो भी छक गया, यो भी कल बनाया था, यो परसों बनाया था, यो उस दिन बनाया था, अरे ना चटनी के लिए एक रोटी बाद खाई था, हमने लहसुन वसन कूट के उसमें, तो दीदी बताइयो तुम क्या क्या बना रही हो डिनर में, हमारा तो यो सादा सिंपल देसी खाना बना, कोई सी सब्जी का नाम बता दियो दीदी, हमने यूनिक सी लगा, हाँ ये हमने बनाई ना है, पर फिर ना बनाई है कोई अलग सी होगी तो उसकी तरह रेसिपी भी भेजनी पड़ेगी, भेज देंगी एक मिनट में,
एक वाह सब्जी है सोमल, वो मेरा ध्यान ना आंटी, वो करेले जैसे हो आखिर छोटे छोटे, मतलब कचरी जैसे हो आखिर छोटे इतने इतने से, पता ना वो कटलों है या और कुछ हो है, उनकी सब्जी मैंने ना बनाई है, भेजियो जी उसकी रेसिपी, ठीक है किस तरह के बनाया करे वो, आलू के साथ मिक्स होकर बनाया करे या परमल क्यों है, शायद तो परमल, मैं गलत बोलगी, कटहल तो दूसरी चीज, नाम क्या है काले है, शकल क्या है की बताओ, है ना ना जो तेने कही है ना परमल हो है शायद वो, हाँ कचरी टाइप में है थोड़ा सा लंबा सा है, उसकी रेसिपी बताइयो दीदी, उस परमल की, परमल होगा वो की रेसिपी बताइयो किस तरह के बना कर, शायद अंदर तक काटा जब लाल लाल भी मिला कर वो, हाँ वो परमल है दीदी, देख मैं कित कटल कटल बोल दूंगी, शायद कटल की तुमने बनाई भी ना हो, हाँ जी खा पी लिया है रोटी पानी और काम कर लिया है, इब अपने सोन की तैयारी है, जो भी छोटे छोटे काम रह रहे हैं वे कर देंगे, और यह सोनल अपनी ड्यूटी निभान लग रही है, यह जगह तो है उसकी यस की व कॉस्ट्यूम सुखान की, क्योंकि उसकी दो है ना, एक दो दया है, एक पहन जा एक दो दया एक पहन जा है, तो यहाँ सारी रात वो पंखा चल लगा ना कूलर चल लगा, तो इसलिए यहाँ सुखा देगी, ये सूख जाएंगे सुबह तक, फिर मेरी ने ड्यूटी पूरी हो है जी, मेरी ना होती मंतरवा रोटी भी ना खाई है, यही खाऊंगी, ये सुन ला आज मैंने लड्डू खाया घने दिन में, के टेस्टी लग गया, बहुत ज्यादा टेस्टी लग गया जी सच में, और जब बहुत सारे लड्डू रखे हो ना आगे जब ना लग गए, बल्कि ये माता रहे थे ना कोटते, तो ये मैंने खाना खाने के बाद मैं के गुड़ ले होगी ना, तो डेली गुड़ लिया करूँ, फिर मैं चल एक लड्डू ले ले, सही टेस्टी लग गया, और आज तो जी भाजम भाज लगना पड़ा, हम तो सब क्या ही कह, वाह मम्मी आज मुंह कान चली गई थी किस कह, तो मुंह कान जाए पाछे तो मेरा है क्या हालत हो जाए, और मम्मी तुम भी फिर मुँह है पापू हम दर्द हो जाए, पहले थकी रही थी कई दिन कुछ भी ना संभाल पाती, उन गया कच्चा चढ़ा कर मुँह कान का, और ज्यादातर उनके जो बेचारी कथी घर नहीं रहा है कितनी आती जाती, मतलब ले भाई जवान की मौत का तो के चार चटेगा, लेकिन जो सतरमी सतरमी काज कुछ हो ना, काज कुछ करे ना इनका तो चाव है, स्पेशल सूट भी शमावे है, उनका सतरमी पजाना उनका काज पजाना है, फिर उड़ा तो फिर हो जाए उस दिन लगा या की एक उस दिन का तीनू मान जाए, हाँ भैया तो खुलूस माँ हाँ जो है मैं तो वह बात है, बेबे कई थारे कैसी मारे कैसी कुछ करती होंगी तो घर तो बेचारी लकड़ लेती होंगी ना, तो वो घर का काम करा डांगा ढोर का करा खेत का करा ले अपने घर में ना, कौन कितने यू का वह थम जाओ थम यू करो थम यू करो, और गाँव में तो बेकती नहीं, गाँव में तो है की पिंडी तो बेच सकता लकड़ा है, जो हमारी मम्मी थी ना उनके साथ था ऐसा, तो उनका मुँह चार से क्या करता मुँह का मुँह कौन धर्मी काज का मुँह कान तो खर भाई जवान पर सब ने दुखाया करे, लेकिन इसे धर्मी कर काज का था खर्चा से क्या कर लगाइया कर, और माहौल बन गया है ना, फलानी का दादसरा मर गया फलानी का वो मर दादस मर की दादस दादस रे इतनी एज की हो जाए भाई जिनका काज कुछ सतरमी हो गया, तब भी बताइयो जी जी अरे माँ तक ऐसी इसी सह जो सतरमी पर नाच गा का आया करे, असल में तो मेरा तो बड़ जाता मैं भी करता हूँ इंजॉय जिसका पर जाओ, जिस भी जगह जाओ जिस तरह भी उसमें जाओ अपना एंजॉय करो उस चीज ने, नहीं वही बात है, तो जी इब करूं मैं ब्लॉग की एंडिंग फिनिशिंग, ठीक है जी अगले ब्लॉग में फिर मिलाएंगे, और पूरा ब्लॉग देखा करो जी, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, रिप्लाई नहीं दे पाते लेकिन हर कमेंट ने पढ़े हैं, एक बाण ने कह रखी थी माँ जी आंटी मतलब सासु माँ के बारे में अके कुछ अपसेट सी लग गए हैं, निकाल जी ना लगता पियर में, देखो भाई इतने दिन पियर डटे पाते हाँ। तो हो जाए सब का हो जाए, दो रात रुक क्या में है जब ये हो जाएगा, जा लगाओ मम्मी सवा महीना डटे आई अपनी जगह पर जरा ये पैदा हुई थी, ठीक है बेच सकता है माँ बाप ना रह रही थी है और लेकिन लोकेशन माहौल सारा तो वो है ना,
बेशक हम ब्याह है पछ अपने घर गृहस्थी आले हो जावा हर रन जावा हां लेकिन पियर का जो लाड प्यार हो है पियर का चाव उसने वो ना मिटता कभी छोड़ सका हां कदे नहीं ना वो कह रहे ना लेडीज तो चाहे जज लाग रही हो लेकिन पियर तक कोई भी चीज आ जाएगी ना तो इतनी खुश हो जाएगी और पियर जाकर तो चाहे एक सूट लिया उसमें भी राजी हो जाएगी तो उसका जवाब है बे यो ठीक है तबे पढ़ा हाँ सारे कमेंट ने सारे कमेंट पढ़ा हाँ जी बिल्कुल सारे हाँ तुमने भी दिखा है बागडोर की जिंदगी है जवाब नहीं दे पाते उसके लिए फिर पता है जी अगर पर्टिकुलर जवाब देंगे तो एक कजनी ने दिखेंगे हम तो है ना आपके जो कमेंट है ना उन व्लॉग में शेयर कर लेंगे ताकि सब ने उसका आंसर पता चल जाए उस बात का ठीक है एक ने ना पता चले सारे ने पता चल जाए तो ठीक है जी आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं खत्म मिलेंगे एक और नए व्लॉग में आपके अपने चैनल पे हरियाणवी सितारे कुनकुन चैनल पे और यो जिस दिन आपने देखने ने मिलेगा उससे पहले दिन मान ले कल के बाद है शनिवार शुक्रवार वाले दिन पे हमारा नाटक भी पड़ा है हरियाणवी सितारे पे और बहुत ही बढ़िया एकदम इतनी अच्छी उसका सीख है मोटिवेशनल जरूर देखियो जिसने नहीं देखा है ठीक है बाणू या एक बात शेयर करनी थी थारे ते तो बेबे बहुत बढ़िया नाटक बनावे जी सारे देखा करो बिल्कुल सारे ने शुभ रात्रि गुड नाइट बाय बाय राम राम स्वीट ड्रीम